मौजूदा दौर साइंसी दौर है जिसमें जिंदगी के तकरीबन हर शोबे में साइंस अपनी तमाम तर तरक्कियात और इनकशाफात के साथ जलवागर है। देखा जाए तो हर साइंसी ईजाद के पीछे किसी साइंसदा का दिमाग कारफरमा होता है, जो अपने गर्दोपेश में फैले हुए बेशुमार पेचीदगियों को अपने तौर पर हल करने की कोशिश करता है, और इस कोशिश के दौरान वो ऐसी अजीब व गरीब और दिलचस्प मुफीद मालूमात भी फराहम करता है जो बाद में आम लोगों को साइंस के नुकात और हकायक समझने में मदद देती हैं। हमारे मुल्क ने भी साइंस के मैदान में ऐसे लोग पैदा किए हैं जिन्होंने अपने तजर्बात और मुशाहदात की रोशनी में हमारे लिए तरक्की और फलाह बहबूद की राहें हमवार की हैं। इस एपिसोड में आपकी मुलाकात डॉक्टर जयश्री सेन गुप्ता से होगी। जब भी इंसान ने किसी खास चीज को गौर व फिक्र के पलड़े पर तौला तो उसे खातिर खा नताइज हासिल हुए। साइंसदानों के नजदीक जिंदगी जैसी नियमत को समझने और उसका राज जानने की ख्वाहिश हमेशा सर उठाए खड़ी रही। लिहाजा इस समत तजर्बात और मुशाहदात का सिलसिला शुरू हुआ और वक्त के साथ साथ दिलचस्प हकायक सामने आते रहे। इन्हीं साइंसदानों में एक नाम डॉक्टर जयश्री सेन गुप्ता का भी है। डॉक्टर जयश्री सेन गुप्ता इन दिनों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में सदर शोबे उजूयात हैं। डॉक्टर जयश्री सेन गुप्ता बंगाल की सरजमीन की वो परवरदा बेटी हैं जो आलमी सतह पर साइंस की दुनिया में अपना जादू जगा रही हैं और अपनी नादरुल वजूद शख्सियत को तस्लीम करा चुकी हैं। सर्जन बाप और पियानो नवाज माँ की गोद में पलने वाली डॉक्टर जयश्री सेन गुप्ता आज दुनिया के सफ़े अव्वल के अजूयात दानों में शुमार होती हैं। My father was a professor and he was a surgeon. मैं भी अपने वाले साहब की तरह प्रोफेसर बनना चाहती थी। वो कोलकाता के एक मशहूर और मारूफ प्रोफेसर सर्जन थे। जो कुछ मैंने बचपन का लुत्फ उठाया वो नावलों के जरिए था, और वो नावल थे जिन्हें मेरे वालदेन पढ़ा करते थे और हम उससे अदबी बहस व मुबाहिसे किया करते थे। बचपन में मैंने स्कूल के मजामीन और रियाजी वगैरह से ज़्यादा मगरबी अदब का मुताला किया। मेरी माँ और बहन पियानो नवाज थीं। हमारे घर में एक पियानो था, लेकिन अपने वालिद की तरह मेरे दिल में डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी, और जब मेरे वालिद साहब ऑपरेशन किया करते थे तो मैं बड़ी दिलचस्पी से देखा करती थी। उन्हें क्या महसूस होता है मैं भी महसूस करना चाहती थी। वालिद साहब ने मेरे अंदर फिजियोलॉजिस्ट बनने की ख्वाहिश जगाई। वो चाहते थे कि मैं एक आम डॉक्टर बनने की बजाय उजवियात की माहिर बनूं और इंसानी जिस्मानी साख्त के बारे में तहकीक करूं, और उन्होंने ये ख्वाब मेरे अंदर जगाया कि इंसानी जिस्मानी साख्त क्या है और हमारे अंदर क्या कुछ मौजूद होता है। उन्होंने ये ख्वाब देखा था, मगर वो सर्जन बन गए, और शायद यही वजह थी कि मैं फिजियोलॉजिस्ट बनी। आपने एक मखसूस जनीन यानी हार्मोन और इस्तकरार हमल के फितरी अमल को अपना मौजूए तहकीक बनाया है, तो आपके लिए इब्तदाई हैरत अंगेज इनकशाफ क्या था?
रिप्रोडक्शन मर्द और औरत के मिलन में इख्तलात की मुद्दत के दौरान वक्त के कुदरती तय्युन की नुदरत न सिर्फ हैरत अंगेज बल्कि तजस्सुस अफ़ज़ा भी है और यही बारीकी मेरी दिलचस्पी का सबब बनी। इखराज के अमल के फौरी बाद और अय्याम हैज से पहले कई खलिये रहम के जिदार या अंदरूनी झिल्ली पर कायम होते हैं, तो उस वक्त आपको सुनकर हैरत होगी कि जिनीन यानी हार्मोन और रहम की इसी झिल्ली के दरमियान एक मुफाहमत सी होती है, गोया उनके बीच एक दूसरे में जज्ब होने और एक दूसरे को कबूल करने का एक माहौल बन जाता है। यही गर्भ का इब्तदाई मरहला है। ये एक मखसूस पल में पेश होने वाला वो वाकया है जिसे हम कुदरत का एक अजूबा कह सकते हैं। रहम के अंदरूनी जिल्द पर कायम होने वाले जनीन यानी हार्मोन्स किस किस्म के होते हैं और इस सिलसिले में आपकी तहकीक की असल बुनियाद या खास पहलू क्या है? So it is highly tangled. There can be मजामियत की इस मुद्दत के दौरान रहम की अंदरूनी झिल्ली पर कायम होने वाले जिनीन यानी हार्मोन की मकदार धीरे धीरे बढ़ती जाती है, किसी बैरूनी असर के बगैर अज खुद सरगर्म रहते हैं। इनमें दो जिनीन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पहले से जाने पहचाने थे, लेकिन मेरे जहन में एक बात शुरू से थी कि ईस्ट्रोजन की जरूरत इतनी नहीं है जितनी दुनिया समझती है। मैं प्रोजेस्टेरोन को अव्वलियत दे रही थी, उसको जहन नशीन करके मैंने अपने काम को आगे बढ़ाया। अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए आपने किससे और कहां से इस्तेफादा किया? The only known study, मेरी तहकीक अपनी नौयत की वाहिद तहकीक है। हालांकि प्रोफेसर हर्टिग और डरविक जैसे चंद माहिरीन उजवियात ने इस्तकरार हमल पर काम किया है, इसमें उन्होंने 50 और 60 की दहाइयों में जंग के दौरान जमा किए गए तकरीबन 600 खलियों के ग्रुपों की मदद ली जो कार्नेगी कलेक्शन कहलाते हैं। अब तक उन्हीं नमूनों के सहारे तहकीक की जा रही है। इस एतबार से कार्नेगी कलेक्शन इस किस्म की तहकीक की रीढ़ है। मेरे मुताले और तहकीक का सिलसिला भी कार्नेगी कलेक्शन से शुरू हुआ। मैं वाशिंगटन गई तो आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में महफूज कार्नेगी कलेक्शन से इस्तेफादा किया। मैं अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ कि कार्नेगी कलेक्शन से इस्तेफादा करने का मुझे मौका मिला। इन नमूनों को देखने के बाद आप किस नतीजे पर पहुंची और प्रोजेस्टेरोन की अहमियत को समझने में कितनी मुद्दत लगी? एक्चुअली मैम जो काम कर रहे हैं काफ़ी ये पुराना है काम, 30 इयर्स ऑनवर्ड्स शी इज वर्किंग ऑन द सेम फील्ड दैट मादर के पास जरायु होता है, वूम होता है, उसमें एक स्तर है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम है जरायु का स्तर होता है, डिफरेंट लेयर्स होता है, सबसे अंदर जो होता है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। जब महीना होता है उसका ही एक पोर्शन एक हिस्सा निकालते हैं शरीर से, फिर वो धीरे धीरे बन जाता है, एक टाइम पे एक बिस्तर तैयार करते हैं आने वाले भ्रूण के लिए। हाँ, वो भ्रूण और वो एंडोमेट्रियम के बीच आपस में बातचीत होता है, तभी वो बिस्तर में जाके लग जाता है और फाइनली प्रेगनेंसी होता है। मैम ये कोशिश करे है ये 30 इयर्स वो बातचीत समझने के लिए उसका सेलुलर लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल पे। ये नॉलेज ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ज्ञान के आधार पर हम दो काम कर सकते हैं, एक तो कंट्रासेप्शन उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्ञान के ऊपर ही हो सकता है ओके इस टाइम में बिस्तर ज़्यादा तैयार है और कम तैयार है उसी के टाइम दे दो कुछ दवा, और नहीं तो फिर कोई कोई
वोमेन में दिखा है उसी इम्प्लांटेशन जो बातचीत वो बहुत कम होता है, इसीलिए प्रेगनेंसी नहीं हो पाते हैं। तो वो भी उपचार के लिए ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो मैम 30 इयर्स ये बीत गए उनका ये बातचीत सोचने के लिए, समझने के लिए और सबको बोल सबको बताए वो ऐसे ऐसे होता है। उसी के लिए मैम रेशियस मंकी मॉडल यूज़ किया और अभी हम वो काम ही कर रहे हैं ज़्यादातर। और उसके साथ साथ एक बीमारी भी है एंडोमेट्रियोसिस, वोमेन में बहुत ज़्यादा तकलीफ के कारण होता है, पेन, इनफर्टिलिटी, डिस्पेरियूनिया, बहुत सारे उसका सिम्टम्स हैं, वो समझना चाहिए मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो वो काम भी चल रहा है अभी। और उसके साथ साथ प्लासेंटा मतलब जो भ्रूण फिर जाके धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिटस बनते हैं, उसका भी एक बेड तैयार होता है, उसको बोलते हैं प्लासेंटा। तो वो प्लासेंटा भी कैसे बनते हैं, उसका भी क्या डायलॉग होता है फिटस के साथ, मादर के साथ, वो भी मैम देखते रहे। मैं लगभग 30 साल से इस मौजू पर काम कर रही थी और कार्नेगी कलेक्शन के बाद मैंने बंदर पर तहकीक शुरू की। मैं इस नतीजे पर पहुंची कि जिनीन यानी हार्मोन के रहम के अंदरूनी झिल्ली पर ठहरने और कायम होने का पूरा अमल मुतहर्रिक है। ऐसा नहीं है कि उस पल में सब कुछ चुपचाप हो जाता है, जिनीन रहम के जेदार से जुड़ते हैं तो एक तरह से यूरिश की कैफियत होती है। अगर ये कैफियत नहीं है तो इस्तिकरारे हमल नाकाम हो जाता है। जिनीन रहम के जिदार से जुड़ते हैं तो एक तरह से यूरिश की कैफियत होती है। अगर ये कैफियत नहीं है तो इस्तिकरारे हमल नाकाम हो जाता है। उसकी वजह ये है कि उस पल में रहम के अंदरूनी झिल्ली में असर पजेरी की कुव्वत नहीं होती है। उस पल में बाहम दीगर अमल और तफाउल के दौरान खलियों से रेजिश नहीं होती और जब प्रोजेस्टेरोन से इखराज नहीं होता तो गर्भ नहीं ठहरता। आप भी इस तहकीक तलब मौजू से वाबस्ता रहे हैं, आपकी नज़र में डॉक्टर जयश्री की काविश की क्या अहमियत है? सो दिस दैट इंटरेक्शन बिटवीन प्री इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो एंड मदर्स एंडोमेट्रियम। इस्तकरार हमल से कबल जिनीन यानी हार्मोन और जिदार रहम यानी रहम की अंदरूनी झिल्ली के दरमियान उनमें जो मेल मिलाप होता है, जो मुकालमा होता है, उसका अमली मुजाहरा हमने पहली बार किया है। इसके बाद कार्लो साइमन या अमेरिका और बर्तानिया के कुछ साइंसदान ग्रुपों ने पहल की। डॉक्टर जयश्री सेन गुप्ता की अनोखी तहकीक को WHO ने तस्लीम किया है। तहकीक और जस्तजू का ये पूरा सफ़र बुलंद हौसलेगी की मिसाल है। जो कुछ कागजात तजर्बा गाहों और नजरियात तक महदूद था उसे हमने अमली शक्ल में पेश किया और तमाम तयशुदा चीजों के खिलाफ जाकर नई चीज साबित की। क्या यह सच है कि डॉक्टर देवव्रत घोष की तहकीक का रुख मोड़ने वाली भी आप ही हैं? He was working in the laboratory at that point of time, working on this embryo implantation using the. उस वक्त ये बंदर पर काम कर रहे थे और उनका मौजू गदूदी अंदरूनी रेजिश से मुतालिक था। वो ईस्ट्रोजन पर इस्तकरार हमल के अमल में एसिड फॉस्फेटेज, लाइजोजोमल एंजाइम वगैरह के असरात को देख रहे थे। मैं 6 माह के लिए बाहर गई हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि अब वो दीगर लैब से कुछ दूसरी कीमियावी अज्जा के असरात को देखने वाले हैं।
मैंने उन्हें इतला दी कि अब ईस्ट्रोजन कोई मसला नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने मेरे प्रोजेस्टेरोन के काम को तस्लीम कर लिया है और इस पर मेरा मकाला दुनिया में सबसे पहले शाया भी हो चुका है, इसलिए वो अपना काम बंद कर दें। लेकिन ये नहीं माने, ये कोई 1988 की बात है। डॉक्टर देवव्रत घोष ने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन आपकी तहकीक का दुनिया में क्या असर हुआ? उसके बाद तो पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने ईस्ट्रोजन पर होने वाली तहकीक रुकवा दी। इस्तकरारे हमल रोकने के लिए एंटी ईस्ट्रोजन मादा टैमोक्सिफेन का दवा की शक्ल में इस्तेमाल के लिए जो रिसर्च चल रही थी उसे भी रोक दिया गया। ये बताया गया कि अहमियत प्रोजेस्टेरोन की है, ईस्ट्रोजन की नहीं। इस तरह पूरी दुनिया में तहकीक का रुख बदल गया और तस्लीम कर लिया गया कि प्रोजेस्टेरोन से ही हमल रुक सकता है। हिंदुस्तान में टीवी वगैरह में जो माने हमल दवाओं या तरीकों का इश्तिहार होता है वो एंटी प्रोजेस्टेरोन होते हैं। एंटी प्रोजेस्टेरोन दवा कोक में ऐसी जगह पर बैठ जाती है जहां वो ऊपर से कुदरती खलियों या जिनीन को नहीं आने देती और इस तरह रेजिश नहीं होती। मेफेप्रेस्टोन नाम का एक ऐसा कीमियावी मादा मौजूद है जिसकी एक ही खुराक से रहम की झिल्ली पर जिनीन के कायम होने और बैजा बनने के दूसरे ही दिन हमल को रोका जा सकता है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि मेफेप्रेस्टोन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता, तो इसमें मुश्किल ये है कि ये मालूम नहीं हो पाता कि वो दूसरा दिन कौन सा है। उसके लिए एक किट ओवी स्टिक है, लेकिन ये बहुत महंगा है और बांग्लादेश और चीन जैसे मुल्क में ये खर्च बर्दाश्त से बाहर है। अगर कम लागत का कोई ऐसा किट हो तो हमल को रोका जा सकता है। जनीन यानी हॉर्मोन्स की कारगुजारी की बाबत आपकी क्या पहल होती है? हमने एम्ब्रियो फंक्शन का अज सरेनो तायुन किया है। खलियों के जेदार पर जो रतूबतें निकलती हैं, उनमें कुछ अज्जा मालूम हुए हैं, जैसे इंटरल्यूकिन, प्रोस्टाग्लैंडीन, प्रोटीन वगैरह वगैरह भी। क्या हमल रोकने का कोई और तरीका भी है? प्रोजेस्टेरोन की तासीर को किसी मरहले में रोकने के लिए 1960 की दहाई से गोलियां इस्तेमाल में हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं। उनसे हार्मोन के रूप में जो हुदूदी रेजिश होती है वो कैंसर और जिगर की बीमारी का सबब बन सकती है और भी मुतबादिल जैसे कॉन्डोम। उस ओरल अल्टरनेटिव से भी गर्भ रुकता है। उस वक्त कौन सा अमल हो रहा होता है? दूसरा तरीका जो इस्तकरारे हमल का है उस पर भी मैं काम कर रही हूँ और वो है NTVEGF। VEGF का मतलब वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है। ये नशोनुमा का एक ज़रूरी फैक्टर है जो रहम की अंदरूनी झिल्लियों को इस काबिल बनाता है कि गर्भ ठहर सके। दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि रहम के अंदरूनी दीवारों में
खून की बहुत सारी बारीक नलियां बनना शुरू हो जाती हैं और खून की ये बारीक नलियां इस VEGF की वजह से बनती हैं। जैसा मैंने कहा, एक निहायत ही ज़रूरी अंसर जो रहम के अंदरूनी खलियों से खारिज होती है वही होती है वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। तो यही वो मुताला है जो हमने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के इश्तराक में किया। उन लोगों ने एक बहुत ही खास एंटी-VEGF पेप्टाइड हासिल कर लेने में कामयाबी हासिल कर ली थी, जो नशोनुमा के लिए जिम्मेदार VEGF को अपनी कार्रवाई करने से रोक देता था। तो ये एक तरह से एक एंटीबॉडी है जो VEGF के खिलाफ काम करती है। उन लोगों ने इसे कैम्ब्रिज में बनाया था और हम लोगों ने इसे रीसस बंदरों पर इस्तेमाल किया और हम लोगों ने ये साबित किया कि अगर इसे एक ख़ास वक्त पे VEGF के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए तो हमल को रोका जा सकता है। और ये काम इस तरह करता है कि ये ट्रोफोब्लास्ट फलियों को रहम के अंदरूनी दीवार पर कायम ही नहीं होने देता। फिर बाद में ये पता चला कि VEGF ट्रोफोब्लास्ट के कायम होने में मदद करता है, रहम के दीवारों में बारीक खून की नलियों से जोड़ने में मदद करता है। लेकिन हम लोगों ने पहली बार ये साबित कर दिखाया कि बिल्कुल शुरू के दिनों में जब ट्रोफोब्लास्ट रहम की दीवार पर कायम हो ही रहे होते हैं तो अगर उस वक्त उसकी मुलाकात एंटी-VEGF से हो जाए तो हमल को रोका जा सकता है। और ये भी वाजे रहे कि एंटी-VEGF कैंसर को भी काबू में रख सकता है, क्योंकि कैंसर में भी ट्रोफोब्लास्ट की तरह खलीज कायम होते हैं और बढ़ते जाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ब्लास्टोसिस्ट के खलियों का कायम होना बहुत बाज़ाब्ता होता है, जबकि कैंसर में खलिये बेज़ाब्ता बढ़ते हैं। तो कैंसर में एक तरीका ये है कि कैंसर के मरीजों को VEGF के खिलाफ एक एंटीबॉडी दी जाए और इससे अमूमन फ़ायदा होता है। और हम इस तरीके का इस्तेमाल करके जानना चाहते हैं कि VEGF वाकई किस तरह कार फरमा होता है। तो अगर एक ख़ास वक्त पर इंसानी जिस्म में VEGF के खिलाफ एंटीबॉडी मौजूद हों तो हमल को यकीनी तौर पर रोका जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि सनदकार इसे किस तरह इस्तेमाल करेंगे। मेरी तहकीक का नुक्ता उरूज था जब तजुर्बों से हमने ये साफ साबित कर दिखाया कि सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन ही जिम्मेदार है हमल ठहरने के लिए। वाकई यही वो असल हकीकत थी जिसकी तलाश दुनिया भर के मुहक्किकीन को उलझाए रखती थी और हम लोगों ने अपने काम को बिल्कुल वाज़े कर दिखाया कि ईस्ट्रोजन हार्मोन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है हमल ठहरने के लिए और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन ही काफी होता है। स्कूलों, कॉलेजों और दीगर दर्सगाहों में तालीम हासिल करने वाली लड़कियों की तादाद अब पहले से कहीं ज्यादा दिखती है, लेकिन जब नौकरी या आला ओहदों पर फाइज लड़कियों की तादाद पर नजर करें तो अचानक एक बहुत बड़ी कमी दिखती है। लड़कियां आगे चलकर फिर गायब कहाँ हो जाती हैं? आप पूरे आलम की ख्वातीन के लिए एक मिसाल, एक तहरीक हैं। उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगी? मुझे अफसोस होता है जब औरतें कभी कभी, और मैं बजाते खुद एक औरत के तौर पर ये कह रही हूँ कि मैं ये महसूस करती हूँ कि उन्हें ये लगता है कि उनके सामने कोई जोखिम नहीं है। उन्हें हमेशा मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि एक औरत एक मर्द की बनिस्बत ज्यादा जब्त का मादा रखती है। वो एक नई जिंदगी की बानी होती है और ज़िंदगी को कायम रखने की कुव्वत रखती है और उसमें वो सब कुछ होता है जो बड़े से बड़े जोखिम को बखूबी कबूल कर सके और कामयाब हो सके। अब इसमें मेरे हिसाब से जो मेल जो होता है,
किसी भी स्त्री के साथ जो उनका पार्टनर है उनकी भूमिका सबसे ज़्यादा है। उनके मैं ये मानता हूँ कि लड़कियाँ जो आपको कॉलेज में थीं जो साइंस में इंटरेस्ट थी वो अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि उनका इंटरेस्ट बदल गया है, लेकिन मौका। और इस हमारी सोसाइटी में आप और मैं शायद समझ जाएं कि भाई एक लड़की है अपना काम कर रही है, शादी डिले हो रही है, कोई बात नहीं, बच्चे नहीं है, एक साइंस के लिए काम कर रहे हैं, सोसाइटी उसे मानती नहीं है। और एक और आदमी सिर्फ इंस्टीट्यूट में ज़िंदा नहीं रहता है, वो बाहर सोसाइटी में भी जाता है, उसको लोगों से उठना बैठना भी है, फैमिली है, वहाँ से प्रेशर इतने ज़्यादा आते हैं कि हर कोई उसको सपोर्ट नहीं कर पाता। उसके लिए आपको या तो पेरेंट्स लगते हैं लड़की के या फिर उसका हस्बैंड, जो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, जो कहे कि नहीं। लेकिन ऐसा और आमतौर पर एज अ मेल कभी कभी हमारी अपनी वीकनेस हो जाती है, क्योंकि घर पर बैठा बैठा खाना मिल जाए तो वो कोई माइंड नहीं करता, क्योंकि दो लोग जब काम करते हैं दो लोग जब काम करेंगे तो किसी ना किसी कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होता है। देखिए मैं अब घर जाता हूँ या कोई मेल घर जाता चाहता है कि घर पे कोई मिले, उसी हिसाब से कौन करेगा कॉम्प्रोमाइज़, किसी को तो खाना बनाना पड़ेगा, किसी को तो घर देखना पड़ेगा। हिंदुस्तान में आज भी द फर्स्ट ऑप्शन इज़ वुमेन, शी हैज़ टू कॉम्प्रोमाइज़। और अगर मेल कॉम्प्रोमाइज़ करता है और फीमेल नहीं करती है तो लोग जो हैं सोसाइटी कहती है कि ये बात तो गलत है। ठीक है, प्रेशर जो आते हैं वो लड़की पे उतने हैं जितने के लड़के पर है। जब सब कुछ ठीक चल रहा है सब कुछ ठीक चलेगा, दोनों जॉब कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को थोड़ा सा भी कम करना है तो कौन करेगा, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं उठता, मतलब दैट इज़ अनक्वेश्चन्ड, फॉलो करना है आपको। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो लेकिन फिर वो साइंस इस तरह की चीज़ है और अपॉर्चुनिटीज़ आज हमारी कंट्री में इतनी ज़्यादा है नहीं कि अगर आप एक उस मौके पर अगर आप वहाँ पर नहीं होंगे आप लूज़ करेंगे। जैसे जब भी हम लोग पहले जब हम प्लान कर रहे थे कुछ कल्चर के एक्सपेरिमेंट्स, तो मैं बच्चों से पूछ के आसपास जो हैं उनसे बात करके हम एक मैडम के पास जाते हैं कि यह मैंने प्लान किया है डिज़ाइन, तो उसमें सेल कल्चर जो करना था तो उसमें एक डबल लेयर का कल्चर करते हैं, मतलब आप एक सिंगल नीचे एक सेल का लेयर लगाएंगे और दूसरा उसको कहते हैं टिशू लेवल जो बनाना चाहते हैं। तो वो मुझे स्ट्राइक नहीं किया था उस वक्त जब मैं सोच रहा था, तो उन्होंने वो मतलब बता दिया कि देखो आप ऐसे से किए, तो दैट वॉज समथिंग विच ओ ये बात, और ये मुझे फिर बात समझ में आई क्योंकि ये चूँकि वो काम कर चुके हैं इसके ऊपर। देखो यहीं पर फ़र्क आता है कि जो आदमी ने काम किया हुआ है हाथ से वही आदमी को ये एक इंसाइट होती है, सिर्फ किताबें पढ़ने से और वो लिखा पढ़ी करने से नहीं होता आपको, और चूँकि उन्होंने अपने हाथ से काम किया हुआ है बाहर भी यहाँ भी, तो वो उनको फटाक से आता है। आपकी कोई ऐसी तमन्ना जिसे पूरा करना आपके लिए एक बड़ा चैलेंज हो? वेरी हेविली लोडेड क्वेश्चन, द बिगेस्ट चैलेंज इन माय लाइफ। ये तो एक मुश्किल सवाल है। यूं तो मैं हिंदुस्तान में एक इम्प्लांटेशन बायोलॉजी लैब बनाना चाहती हूँ। इस मिशन पर मैं काम भी कर रही हूँ। बहरहाल अभी वो तमन्ना पूरी नहीं हुई। अगर ऐसा मुमकिन हो पाया तो हिंदुस्तानी मुहक्किकों को आगे बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा और आलमी सतह पर उनकी एक पहचान बनेगी। खुशामदीद 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 खुशामदीद।